जब हम सुबह उठें और जब हम चाय बना रहे हैं और चाय बनाते समय यदि दूध हमारा फट जाए या फ्रीज में ही रखा हुआ दूध कभी गर्मी के कारण या किसी और कारणवश फट जाए, तब हम क्या करें? हम सबकी आदत होती है सुबह उठते साथ चाय पीने की, और उस समय यदि हमारा दूध फटा हुआ मिले तब हम क्या करें? हमारा तो पूरा दिन खराब हो जाता है यदि हमें चाय नहीं मिले तो। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से यदि दूध फट जाता है तब हम क्या करें और किस तरह से हम चाय बनाएं, मैं आज आपके साथ वो तरीका शेयर कर रही हूँ। मिल्क पाउडर की चाय बनाने के लिए मैंने लिया है एक कप, मैंने पानी लिया है। एक कप चाय बना रही हूँ तो मैंने एक कप पानी लिया है क्योंकि मैं इसमें से थोड़ा पानी निकालूंगी। 2 टेबल स्पून मैं मिल्क पाउडर ले रही हूँ। इस पानी में से थोड़ा सा पानी निकालूंगी जिसमें मैं मिल्क पाउडर को डिजोल्व करूंगी। जब ये हल्का सा गुनगुना हो जाएगा पानी, ये देखिए 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, 1 बड़े चम्मच चाय पत्ती, 1 छोटी चम्मच मैंने शक्कर ली है। इसके अलावा आप देख रहे होंगे मैंने छोटा सा अदरक का टुकड़ा लिया है। किसी भी एक चीज़ को हमें इसमें ऐड करना है। आप चाहें तो अदरक की चाय बनाइए, बारिश के मौसम में बहुत अच्छी लगती है और ठंड में तो बहुत मज़ा आता है क्योंकि अदरक की तासीर गर्म होती है, इसलिए अदरक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है ठंड के मौसम में। परंतु जब गर्मी का मौसम है तो आप हमेशा इलायची वाली चाय बनाइए। गर्मी में इलायची छोटी इलायची हमें ठंडक देती है, इसलिए गर्मी के मौसम में इलायची की चाय बनाइए। ये दालचीनी देख रहे होंगे आप, दालचीनी की चाय पीने से हमारे वेट लॉस में भी मदद होती है। दालचीनी हमारे वज़न कम करने में बहुत सहायक है। इसके अलावा आप देख रहे होंगे मैंने छोटी सी पुदीने की पत्तियां ली हैं जिसे मैंने अपने किचन गार्डन में लगाया है। इसके अलावा इसमें मैंने थोड़ी सी तुलसी की पत्तियां भी ली हैं। तुलसी की पत्तियां हमें जब सर्दी खांसी होती है तो बहुत ही फ़ायदा करती है। ये देखिए मैंने एक बर्तन में 1 गिलास जो 1 कप पानी लिया है उसे उबलने रख रही हूँ। जब पानी हल्का सा गुनगुना हो जाए उसमें से मैं 1 बड़े चम्मच भर के पानी निकालूंगी। ये पानी मैं इसलिए निकाल रही हूँ कि इसमें मैं मिल्क पाउडर को घोलूंगी। यदि मैं सूखा मिल्क पाउडर ऐसे ही डाल दूंगी चाय में तो उसकी गुठलियाँ पड़ जाएंगी, इसलिए हल्के गुनगुने पानी में मिल्क पाउडर को डिजॉल्व करें फिर हमें इसे ऐड करना है। ये देखिए अब पानी में उबाल आ गया है, मैंने 1 बड़े चम्मच इसमें चाय पत्ती डाल दी है। कभी भी चाय पत्ती ठंडे पानी में नहीं डालें, नहीं तो कलर अच्छा नहीं आएगा। अब इस जो पानी मैंने गुनगुना पानी लिया है उसमें मैं 2 बड़े चम्मच मैंने मिल्क पाउडर लिया है। मिल्क पाउडर का पाउच आप लोग हमेशा घर में रखें। ये देखें कितने आराम से मिल्क पाउडर घुल रहा है, बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं आई हैं। हमारा बिल्कुल मिल्क पाउडर का दूध बनकर बिल्कुल तैयार है। चाय में भी हमारी उबाल आ चुका है। अब इस चाय में छोटा सा मैं अदरक वाली चाय बता रही हूँ, इसलिए मैंने छोटा सा अदरक का पीस धो के साफ करके रखा है वो इसमें मैं ऐड करूँगी। ये देखिए चाय हमारी उबलने लगी है। 1 छोटी चम्मच शक्कर डालें, शक्कर भी ज़्यादा ना डालें, थोड़ी कम मीठी चाय ही हमें पीना चाहिए। अदरक जिसे मैंने खलबत्ते में कूट लिया है वो डाल रही हूँ। आप चाहें तो ग्रेट करके भी अदरक इसमें डाल सकते हैं। अदरक डालने के बाद हमें इसे 2-3 मिनट धीमी आंच में बहुत अच्छी तरह से पकाना है ताकि अदरक की बहुत अच्छी खुशबू आए। देखिए बहुत अच्छी खुशबू आने भी लगी है मुझे। बारिश के मौसम में तो अदरक वाली चाय का अपना ही मज़ा होता है। चाय बहुत अच्छी तरह से उबल चुकी है, इसे उबलते 2-3 मिनट हुए हैं। अब मैं इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, जब भी हम मिल्क पाउडर की चाय बनाएं तो हम चाय की पत्ती बहुत ज़्यादा न डालें, बहुत बड़ी चम्मच भर के ना डालें, छोटी चम्मच डालें, नहीं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती चाय। दूध वाली चाय में आप चाय पत्ती ज़्यादा डाल सकते हैं पर मिल्क पाउडर में कम डालें। चाय बहुत अच्छी तरह से उबल चुकी है, अब इसे मैं छान रही हूँ। अदरक वाली चाय की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप किसी भी तरह की चाय बना सकते हैं, दालचीनी की, तुलसी की, जैसे आपको सर्दी खांसी है तो आप तुलसी वाली चाय पिएं। ये देखिए दोस्तों ये हमारी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय तैयार है। जब हमारे पास दूध नहीं हो तो इसे आप ज़रूर ट्राई करें, आपको पसंद आएगी। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग मिल्क पाउडर का एक छोटा पैकेट जरूर घर में रखें कि कभी दूध फट जाता है या किसी कारणवश हमारा दूध वाला जल्दी नहीं आ पाता है और हम सुबह के समय परेशान होते हैं कि क्या करें, अब चाय के लिए हम क्या करें, तो एक छोटा पैकेट हमारे पास मिल्क पाउडर का हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। आप बहुत बड़ा पैकेट नहीं लें क्योंकि उसे स्टोर करने में परेशानी होती है, इसलिए अगर आपके यहाँ कम यूज़ होता है तो आप छोटा पैकेट लें। तो दोस्तों मिल्क पाउडर से चाय बनाने का जो तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है, यदि अच्छा लगता है आपको तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल शिखास किचन को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके अलावा आपसे एक रिक्वेस्ट और है मेरी कि आप कमेंट सेक्शन में #शिखा किचन लिखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।